हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली हमारा यानी अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमारा प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इसको रैखिक समीकरण युग्म बना करके तब हल करना है, तो पहले हम दोनों को अलग करेंगे। तो ये बन जाएगा 7x/xy होगा -2y/xy होगा बराबर 5 दिया है। एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 7/y बचेगा। यहाँ वाई से वाई कैंसिल होगा, 2/x बचेगा बराबर 5। समीकरण नंबर इसको हम 1 बना लेंगे। इसी तरह से इसको अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 8x/xy होगा। फिर आगे आ जाएंगे तो +7y/xy होगा बराबर हमारा 15 दिया है। ये एक्स कैंसिल होगा वाई, तो 8/y और +7x/15, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब दोनों समीकरणों को हमें हल करना है, तो यहाँ हम करेंगे क्या, 1/x और 1/y को कुछ मानेंगे, अथवा ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ कलर चेंज करके, तो हमें क्या मिलेगा कि माना इसके आगे कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर हमने b मान लिया। यहाँ 7/1/y यानी 1/y को हमने b माना है, तो 7b बन जाएगा। फिर आगे आएंगे तो -2x/1x को हमने a माना है, तो a बन गया और बराबर 5 हो गया। इसको हम चाहें तो 3 बना लें, या तो हम इसी को ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, 3 ही बना लीजिए, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसमें आ जाएंगे तो ये बनेगा 8b, क्योंकि 1/y को b और +7a, तो 7a हो गया और ये बराबर हमें मिल गया 15। और ये हमारा समीकरण, मान लीजिए हमने इसको 4 बना लिया। गुणांक बराबर करना है, तो 7 का गुणा इसमें, 2 का इसमें कर देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में हमने किससे 7 तथा समीकरण 4 में हम गुणा करेंगे किससे, 2 से। 2 से गुणा करने पर, चूँकि हमें यही गुणांक बराबर करना है, तो 7 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा 3 नीचे करेंगे। तो 7 का गुणा सब में करेंगे, 7×7=49 बनेगा b, और 7×2=14a और 7×5=35 बन जाएगा। और इसमें हमें 2 का गुणा करना है, तो 2×8=16b और 2×7=14a और 2 का गुणा करेंगे तो 30 बन जाएगा। अब ये देखेंगे, पहला ऊपर वाला माइनस था, नीचे वाला हमारा प्लस है। अब आ जाएंगे इन दोनों, जिसका गुणांक बराबर है चिन्ह विपरीत है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ये कैंसिल होगा। 9×6=15 हासिल 1 होगा, 4×5=6 हो गया b। इधर आ जाएंगे तो इधर भी हमें 65 मिल गया। b बराबर निकालेंगे तो 65/65 काट देंगे तो 1 आएगा। अब हम b किसको माने हैं, तो हमने यहाँ b माना है किसको, 1/y को, तो 1/y बराबर 1 आया। और y बराबर 3 गुणा करेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा, तो 1 आंसर हमें मिल गया। अब आगे आ जाएंगे इस मान को, किस मान को, यानी हमने पाया है b=1, इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। तो आगे आएंगे समीकरण 3 से, या तो हम लिख सकते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 7b, b का मान 1 है क्योंकि b का मान हमने 1 निकाला है, -2a बराबर होगा हमारा 5। ये बना 7, ये 5 आके घट जाएगा और ये 2a जा करके यानी राइट में जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 2a बराबर हो गया, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, a बराबर भाग दे देंगे तो इसका मान भी 2/2 1 आ गया। a हमने किसको माना था, a हमने माना है किसको, 1/x को, तो हमें मिलेगा क्या, 1/x बराबर हो गया 1, तिर्य गुणा करेंगे तो x बराबर भी हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या बन गया, हमें आंसर मिला x=1 और y=1, और यही हमारा आंसर बन गया, दोनों के मान 1-1 हो जाएंगे। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, यहाँ आ जाएंगे 1 रखेंगे तो यानी 7 हो गया, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 हो गया, नीचे 1×1=1 आ गया और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा।
यहाँ वन रखेंगे तो एट बन जाएगा, वन रखेंगे तो सेवन बनेगा, नीचे वन इंटू वन वन आया, ऐड करेंगे तो फिफ्टीन, यानी इसका मतलब जो हमने ये लगाया है हमारा आंसर सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।